हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग ने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और टू पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, आई मीन दो मासेस हैं, ठीक है, और उनको आर सेपरेशन पे रखा गया है, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बताया था कि दूसरा पॉइंट ये बताया था कि मान लो कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट मास यहाँ रखा हुआ है, इसका मास क्या है, M1 M है, कैपिटल M, इसका मास स्मॉल M है, इसका रेडियस क्या है, R है, और इनके सेंटर के बीच ये दोनों इस स्फीयर के सेंटर और इस पॉइंट मास के बीच डिस्टेंस d है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल M इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये वैलिड है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो आउटसाइड के लिए क्या करता है, आउटसाइड आई मीन कोई पॉइंट है जो जहाँ आपको एनर्जी लिखना है, फील्ड कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पॉइंट की तरह बिहेव करता है। दूसरा जो तीसरा जो इसमें पॉइंट मैंने बताया था वो बताया था कि दो यदि स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर क्या होगा, सॉलिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। इसका मास क्या है, M2 है, इनके बीच इनके सेंटर के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो इनके बीच कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आसानी से आप बता सकते हो माइनस जी एस एम वन क्या होगा, एम वन एम टू अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, यहाँ हमने माना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया है। अब कभी कभी ये पूछा जाएगा कि क्या होगा, अभी यहाँ दो पार्टिकल सिस्टम हमने कंसीडर किया है, अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे पोटेंशियल हैं, देखो क्या करना है कि सिंपल क्या है, इस जितने भी ऑब्जेक्ट को जितने जो भी पार्टिकल्स हैं उनको इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, समझ में आना। जैसे देखो यहाँ हमने क्या किया है, जैसे सिंपल एग्जाम्पल देखो कि एक लैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मान लो M1 मास है, यहाँ M2 है और यहाँ M3 है, इनका साइड लेंथ जो दिया हुआ है हमने ये मान लिया 1, 2, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं कंसीडर करके देखो, ये सेपरेशन हमने मान लिया R, 2, 3, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, इसको मैंने मान लिया R, 1, 3, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया R 1, 2, समझ में आई बात। अब देखो हम कैसे सोचते हैं, ये कैसे हम सोचते हैं, मान लो कि यही क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ तीनों मास हैं M1 M2 और M3। अब आप मुझे बताओ अब क्या होगा, इस M1 को यहाँ ला करके रखूँगा, फिर M2 को रखूँगा, फिर क्या होगा M3, यहाँ मान लो कि कोई मास नहीं है, समझ में आया ना, ऐसे
अब आप बताओ, जब मैं M1 को लाऊंगा यहाँ, M1 को मैंने मलाया ऐसे और कहाँ रखा, ऐसे यहाँ लाया और यहाँ रख दिया, तो अभी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों यार? कोई मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस सिचुएशन में जब एक M1 को यहाँ रखोगे तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन जब आप उसके बाद क्या करो, M2 को यहाँ लाओ, इन्फिनिटी से कहाँ, इस वर्टेक्स पे M2। समझ में आया? तो यहाँ लाओगे तो ऑफकोर्स इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ में आया ना? काम करना पड़ेगा, और वो निगेटिव काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक्सेलेरेट कराएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा उसको। तो उस सिचुएशन में यदि मैं लिखूं कि दिस इज वर्क डन, कितना हुआ, माइनस वर्क डन कितना होगा, माइनस जी M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो माइनस जी, देखो M1 M2 इनके बीच सेपरेशन क्या है, R12। ठीक है, अब हमने दूसरा मास रख दिया। जब तीसरा मास लाओगे M3 लाओगे तो ऑफ कोर्स किसके किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। M3 जब लाओगे आप यहां, ठीक है, ऐसे जब M3 लाओगे यहां से यहां, तो आपको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, M1 के अगेंस्ट और M2 के अगेंस्ट। तो उस सिचुएशन में W जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, देखो माइनस जी M1 M3 अपॉन R13 प्लस, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जी M2 M3 अपॉन क्या होगा, R23। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, कि टोटल कितना वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, समझ में आया, इन्फिनिटी पे तीनों मास रखा M1 M2 M3 और 1 by 1 स्लोली मूव करा रहे हैं, मूव करा करके कहाँ रख रहे हैं, वर्टेक्स पे रख रहे हैं, और हर सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। वही जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो WT क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस क्या हो जाएगा, W2। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो माइनस जी M1 M2 अपॉन R12 माइनस जी M2 M3 अपॉन R23 माइनस जी M1 M3 अपॉन क्या हो जाएगा, R13। ठीक है, तो सिंपल इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो U इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, जी M1 M2 अपॉन R12 प्लस जी M2 M3 अपॉन R23 प्लस जी M1 M3 अपॉन R13। ठीक है, यही क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सभी मासेस को असेंबल करने में, इनफाइनाइटली फार अवे से ला करके इसके वर्टेक्स पे रखने में जितना मुझे काम करना पड़ेगा वही क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो थ्री मास सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, याद रखना, देख लो क्या करना है, पेयर करके क्या करना है, दो का पेयर करके पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, माइनस जी M1 M2 अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज कर देना है और आसानी से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ये ट्रिक है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ, यदि आपसे कोई पूछे, इसे देखो यहाँ, ठीक है, इस केस में, समझ में आया, तो इस केस में देखो यहाँ हमने क्या किया है, M, तीन मासेस को हमने क्या किया है, रखा है। तो आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो यार U क्या होगा, एकदम एक स्टेप में लिख देंगे, U इज इक्वल टू क्या होगा, पेयर करके लिख दो, माइनस जी M² A1 दिस फिर दिस और दिस, तीन पेयर होगा ना, तीन पेयर लिखो, माइनस जी M² A माइनस जी M² क्या हो जाएगा,
तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस थ्री जी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ में आया क्या, यही क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब दूसरा एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, एक और न्यूमेरिकल इस पे बताता हूं कि देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, इस पे तीन मासेस के लिए याद रखना, फोर के लिए भी बता देता हूं। देखो ए एम एम, ठीक है, और यहां क्या है, ये याद रखना ऐसे, यहां ये क्या है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये पी से क्यू, यहां कोई मास एम नॉट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड फाइंड वर्क डन इन मूविंग मूविंग एम नॉट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्या होगा क्यू एस सोन इन द सोन इन द फिगर, ठीक है बेटा, ये आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है, क्या करना है, देखना है जितने पेयर होंगे पेयर बना करके क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है। दो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इस मास एम नॉट को यहां से यहां ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये भी ध्यान देना कि जब भी ये नहीं दिया हुआ है कि किस फोर्स के द्वारा पूछा गया है, तो अलवेज हम मानते हैं कि ये जो वर्क पूछा गया है, वर्क डन बाई क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पूछा गया है, समझ में आया ना, क्या पूछा गया है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या यूज करना है वो मैं बता देता हूँ आपको कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने ये बताया था कि वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी क्या होगा, डेल्टा यू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो गया, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इनिशियल कॉन्फिगरेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो इनिशियल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो U कितना होगा, यहां तुम खुद से लिख सकते हो। अब U बताना, पेयर देख लो कितना, तीन पेयर होगा क्या, अरे एक क्या होगा, देखो इसके इसके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके इसके बीच, और फिर इसके इसके बीच। तो डायरेक्ट देखो यू आई मैं लिख रहा हूं, यू आई कितना होगा बता दो बेटा। देखो ये साइड लेंथ हमने क्या माना है, ये माना है, ठीक है, तो ये समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, देखो एक लिखो माइनस जी एम एम नट अपॉन ए बाई टू, अगेन ये इनके द्वारा, फिर इनके इनके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम एम नट अपॉन क्या हो गया ए, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यू आई तुमको मालूम चल गया कितना हो जाएगा, देखो माइनस जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा ए, माइनस जी एम स्क्वायर इनिशियल हो गया, ठीक है। अब फाइनल जो है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एम एम, अब ये कहाँ आ गया, यहाँ एम नट, ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, क्यू पॉइंट है, और ये जो है वो क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, तो यू एफ अब लिखोगे तो कितना होगा बताओ, यू एफ अगेन देखो इनके इनके बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनके इनके बीच, और इनके इनके बीच,
ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसके इसके बीच लिखोगे तो क्या होगा, माइनस जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा ये, फिर इनके इनके बीच माइनस जी एम एम नट अपॉन ए, फिर इनके इनके बीच माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं कितना होगा, देखो माइनस टू जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा ए, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यही होगा ना, बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू लिखेंगे यू एफ माइनस यू आई, यू एफ का वैल्यू रखो बेटा, देखो कितना है, माइनस टू जी एम एम नट अपॉन क्या होगा ए, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, माइनस, ठीक है, माइनस जी एम एम नट अपॉन ए, माइनस जी एम स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा और अरेंज करो, माइनस टू जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा ये, माइनस, ठीक है, जी एम स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस जी एम एम नट अपॉन ए, प्लस जी एम स्क्वायर ए, बात समझ में आया, ए एम और एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से हम जो ए ठीक है, यहाँ हमने यहाँ बाई टू होगा, सॉरी, ठीक है, तो हमने गलत लिख दिया है क्या, समझ में आया ना, ए टू टू आई थिंक फोर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, वो गलत लिख दिया, ऊपर चला जाएगा तो टू टू फोर हो जाएगा, तो यहाँ ये फोर आएगा, ठीक है, यहाँ भी फोर लिख लेना तुम लोग बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टू जी एम एम नट अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये वर्क डन बाई क्या हो गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना काम करना हुआ, 2g स्मॉल m m नट अपॉन क्या हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क g लिख रहा हूँ, तो वर्क g इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव अब क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, 2g m m नट अपॉन क्या लिखेंगे। तो बेटा ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए कि किसके द्वारा वर्क कैलकुलेट करना है, तो अलवेज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है, समझ में आना, क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था, तो अब एक नोट में मैं पॉइंट लिख देता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ नोट में तुमको पेयरिंग करने में कहीं कन्फ्यूजन हो तो ये लिख लेना, ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ लिखूँ, देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकता हूँ, देखो, नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, वेयर एन क्या है, ये याद रखना है नोट में, जस्ट एक फार्मूला है आपको पेयरिंग कि कितने पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, आई मीन कितने पेयर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग करके मुझे क्या करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा, एन, एन क्या है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर, जिसे फॉर ट्रायंगल, देखो फॉर क्या होगा, ट्रायंगल, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन नंबर ऑफ वर्टेक्स लिख सकते हो,
या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि ट्रायंगल दिया हुआ है, तीन पार्टिकल्स होंगे तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेयर क्या लिखेंगे बताओ, 3/2 × 3-1 कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स टोटल कोई यू पूछे तो क्या लिखोगे, U1 + U2 + क्या होगा, U3। तीन पेयर होंगे ना यार, तो तीन पोटेंशियल एनर्जी होगा U1 U2 U3। समझ में आया। स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 × क्या हो जाएगा 3, तो कितने होंगे 6 पेयर होंगे, आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है, तो उसी तरह देखो हम कैसे लिखेंगे स्क्वायर के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि देखो, तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो इनिशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसमें टाइप है कि स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपसे कोई पूछे कि या क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लो कि ये M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। यहाँ से अगेन ध्यान देना, इन्फिनिटी से क्या करेंगे, यहाँ M1, M2, M3, ठीक है, M4, समझ में आया, को हम क्या करेंगे 1/1। मान लो कि हमने M1 को यहाँ लाया पहले, तो कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, M2 को यहाँ मूव कराएंगे, समझ में आया ना, उसी तरह हम क्या करेंगे, M3 को यहाँ मूव कराएंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से, उसी तरह M4 को इन्फिनिटी से मूव कराएंगे, और फिर टोटल एनर्जी हम क्या करेंगे, कितना वर्क डन होगा उसको लिख लेंगे, और फिर टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं U, देखो ध्यान से, U इक्वल टू W टोटल, और W टोटल देखो पेयरिंग करके हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो R12, ये कितना हो जाएगा R23, ये कितना हो जाएगा R3, ठीक है, R3 3/4, और ये हो गया R14, ये वाला कितना डिस्टेंस होगा बेटा R13, और देखो ये कितना होगा, दिख भी रहा है तुम, R24। तो पेयर लिखते जाना है, बताओ जल्दी जल्दी बोल दो बेटा, देखो तो इनको तो क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, जी M1 M2 / R12 माइनस इनके बीच जी M2 M3 / क्या होगा R23 माइनस इनके बीच लिख दिया, इनके बीच फिर इनके बीच M3 M4 / R34, ठीक है, अब ये लिखना है माइनस जी M1 M4 / क्या लिखना है, R14। अब एक पेयर तो ये भी होगा ना, दिस और दिस, और फिर M2 M4, माइनस क्या लिखेंगे, जी M1 M3 / R13 माइनस जी M2 M4 / R24, हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो एक स्टेप में है, कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी से इस सभी मास को वर्टेक्स पे रखने के लिए जितना काम करना पड़ा वही क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे भी देख सकते थे, n इक्वल टू क्या है 4 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब यदि क्या होगा, ये दिया हुआ हो, देखो ध्यान से, यदि दिया हुआ हो, इफ यदि ये स्क्वायर है, ठीक है, हमने जनरल क्वाड्रिलेटरल मान लिया, स्क्वायर होगा तो हम क्या लिखेंगे, R12 = R23 = R34 = R14 = A, और यहाँ लिखेंगे क्या, R13 = R24 = √2A, सही है क्या। अब देखो U कितना होगा बेटा, कितना होगा बताओ, माइनस जी M1 M2 / A माइनस जी M2 M3 / A माइनस जी M3 M4 / A माइनस जी एम
वन एम फोर अपॉन ए माइनस जी एम टू फोर एम टू एम फोर अपॉन रूट टू ए, ठीक है, माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन रूट टू ए, ठीक है। इसमें और केस भी हम लिख सकते हैं, यहाँ और भी लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा एम फोर इक्वल टू, हम यदि m मान लें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है पेयर करके लिख देना है, ठीक है। जैसे एक यही क्वेश्चन हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स पे इक्वल पार्ट इक्वल मास का पार्टिकल रखा गया, तो देखो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फोर, समझ में आया ना, अरे वन टू थ्री फोर, और माइनस क्या लिखेंगे, रूट, हो गया आंसर आ गया, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू नहीं लिखेंगे सॉरी प्लस टू लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू सॉरी माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए इंटू फोर रूट फोर प्लस क्या हो जाएगा, रूट टू, यही तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको क्या करना है, रटना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब भी वर्क डन तुमसे पूछे तो तुमको सिंपल एक ही काम किया करना है, क्या करना है कि इनिशियल जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी लिखो बाय मेकिंग पेयर, और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, और वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्टेक्स से किसी मास को इन्फिनिटी पे ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइप के प्रॉब्लम को कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइनल लिखो, और फिर क्या करोगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, इसको होमवर्क लिख लो, देखो ए एम 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 नट, ठीक है, समझ में आया, क्या हमने लिख दिया, एम नट, ये साइड लेंथ है, फाइंड या लिख देता हूँ फाइंड वर्क डन इन मूविंग एम नट फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए टू आई मीन यहाँ से इन्फिनिटी पे किसको, एम नॉट को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो बेटा क्या करना है, एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देखो ये ए इनिशियल हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से इसको सिंपल क्या करना है, तुमको हटा देना है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। किसी भी मास का इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है, तो इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, और फिर क्या करो, इन दोनों का इन सब का क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो फाइनल, और हिंट्स मैं दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, वर्क W एक्सटर्नल इक्वल टू यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यही तुमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लिखते हैं
और फिर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन होता है, उसको मैं बताता हूँ आपको। तो हेडिंग अभी लिख लो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे आगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या डेफिनेशन है वो मैं तुमको बता देता हूँ कि किसी यूनिट मास को, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज बीइंग स्टोर इन द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ध्यान देना कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वर्क डन, देखो ध्यान से, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग द मास फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट आई टू फाइनल पॉइंट एफ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, चेंज इन, देखो डेफिनेशन मैंने लंबा लिख दिया, हालांकि लंबा नहीं है, समझना है इसको। वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग द मास फ्रॉम ठीक है, इन मूविंग द मास या मास लिख लेना बेटा, मास फ्रॉम इनिशियल पॉइंट आई टू फाइनल पॉइंट एफ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया ना? ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखो जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा वी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अब यहां मैं पहले ही लिखता हूं, देखो वर्क डन, यहां वर्क जो भी लिख रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स आई टू, क्या हो गया आई टू एफ, ठीक है, क्या हो गया वर्क डन इन मूविंग मास फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाय क्या होगा एम नॉट। तो यही क्या हुआ, देखो वर्क डन पर यूनिट मास हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मास बोलते हैं। टेस्ट मास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टेस्ट मास, ठीक है, डेफिनेशन के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि डेल्टा यू सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखो एफ एक्सटर्नल डी टी I टू क्या होगा F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M नेट। अगेन यहाँ हमने जब पोटेंशियल लिखा है तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल्टा
आई मीन चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, वी एफ माइनस क्या हो जाएगा, वी आई, क्या हो जाएगा, वी आई। ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है कि दो पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो कितना होगा वर्क डन पर यूनिट, क्या हो जाएगा टेस्ट मास, ठीक है। दिस इज चेंज, चेंज इन क्या होगा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, समझ में आया। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसको हम इसी डेफिनेशन को यूज करके एक दूसरा भी डेफिनेशन होता है उसको भी मैं बताता हूँ अभी थोड़े बाद में, पहले इसको हम पढ़ लें। तो केवल यही डेफिनेशन क्या करना है तुमको यूज करना है। तो पहले क्या करना है, एम नॉट को क्या करना है मूव करा देना है, और फिर क्या करना है वर्क डन पर यूनिट मास वाइल मूविंग द मास फ्रॉम इनिशियल पोजिशन आई टू फाइनल पोजिशन एफ, आपको क्या करना है यूज करना है, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो बेटा वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो ध्यान से, इसके पहले क्लास में हमने ये कैलकुलेट किया था कि वर्क डन इन मूविंग क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा आई टू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमने ये कैलकुलेट किया था कि यू, ठीक है, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा यू आई, कैलकुलेट किया था क्या, देखो यही से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। यू एफ माइनस क्या हो जाएगा यू आई, ठीक है, क्या हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई, और यू एफ जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी एम एम नट, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे आर माइनस आर एफ, यहाँ प्लस लिख दें जी एम एम नट अपॉन क्या लिखेंगे आर आई, ये समझ में आया। देखो ये एम नट है, आई मीन ए एम है, और हम क्या कर रहे हैं एम नट को यहाँ इनिशियल, ये एम नट है, ये आई है, इसको हम कहीं कहाँ मूव करा रहे हैं एफ पे मूव करा रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये हमने लिख दिया कि वर्क डन इन मूविंग एम नट फ्रॉम इनिशियल आई टू क्या हो गया एफ कितना हो जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, ठीक है, जी, देखो ध्यान से, जी एम माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखो आर आई माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर एफ, ठीक है, एम नट, समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ से और एक फॉर्मूला लिखता हूँ, थोड़ा मैं क्या समझाना चाहता हूँ बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, देखो कि यहाँ से क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग आई टू एफ अपॉन एम नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर आई माइनस क्या हो जाएगा जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर एफ, सही है, यही क्या होगा, देखो अभी बताया था यही क्या होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, यही होता है ना यार। देखो इसी को लिखेंगे वी एफ माइनस क्या हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर आई माइनस क्या हो जाएगा जी एम अपॉन क्या हो गया आर एफ। ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला होगा। अब यदि मैं इसको मान लूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या हुआ इनिशियल, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा। अब हम मान लें कि इफ, देखो ध्यान से, इफ आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी एंड आर एफ, और देखो वी आई इक्वल टू क्या हो गया वी इन्फिनिटी, समझ में आया ना, और आर एफ इज इक्वल टू हमने क्या लिखा आर एफ इक्वल टू आर, और वी एफ इक्वल टू हमने वी एज ए फंक्शन ऑफ आर लिख दिया। अब कोई डाउट नहीं होगा,
तो देखो बेटा वो पोटेंशियल, वो जो रिजल्ट होगा बहुत सुंदर से रिजल्ट में डेराइव हो जाएगा। देखो वी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आर माइनस वी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो वी एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी एट इन्फिनिटी माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ अगेन कोई पूछे कि किसी भी पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो क्या होगा, तो हम लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस जी एम अपॉन क्या होगा आर। अब यदि मैं मान लूँ इफ वी एट इन्फिनिटी यदि जीरो हो जाए तो वी एट आर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा। ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इनडिपेंडेंट विथ वेदर द मास इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट और नॉट, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास बाय विच वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट, समझ में आया ना। तो यहाँ से तुमको ये याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज लाइक क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, समझ में आया क्या, क्या होता है निगेटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो बेटा इसको अब अपने को क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ग्रेविटेशनल, ये याद रखना है, यहाँ हमने ऐसे बता दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट मास, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है, पॉइंट मास है यहाँ m और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, यहाँ मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास क्या होगा बेटा, देखो इधर हमने क्या माना है, वी यहाँ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, वी इन्फिनिटी क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, समझ में आया ना। तो क्या होगा, वी एज ए फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ कोई मास है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलवेज क्या होता है, निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका यदि तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे होगा, यदि मैं भी यहाँ लिख लूँ और इधर आर लिखूँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वन बाई आर। तो नोट में एक पॉइंट याद लिखना है कि आपसे कहीं भी पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ हम कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल, मैं ये लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डजंट डिपेंड वेदर डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर मास इज प्रेजेंट और एब्सेंस या नॉट प्रेजेंट, अरे एट दैट पॉइंट, समझ में आया क्या, इस पॉइंट में मास है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आपसे बेटा कोई पूछे कि पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम
अपॉन क्या होगा आर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब इन्फिनिटी पे, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में रखना कि जब भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल दिया हुआ है तब हम एफ कैलकुलेट कंसीडर करें कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर ड्यू टू पॉइंट मास इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ए ध्यान रखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द मास इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट और नॉट, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास बाय विच वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, मैंने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया आपको। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दूसरा इसमें जब हम पॉइंट पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल, हाँ अभी एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, मैं एक और रिलेशन बता देता हूँ फिर हम आते हैं यहाँ। मैं ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको दूसरे में डिराइव कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं नोट में लिखता हूँ फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे, या बेटर है कि और थोड़ा पॉइंट पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू टू और मोर देन टू पॉइंट मासेस। समझ में आया ना, ये भी एक अगला पॉइंट है। अब देखो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सभी मास के द्वारा, सभी पार्टिकल के द्वारा अलग अलग लिख करके हम क्या करेंगे, सिंपल उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। मान लो कि ये पॉइंट पी है और एक कोई सिस्टम है। ठीक है, इसमें इस सिस्टम में एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये देखो एम वन एम टू एम थ्री डैश डैश, हमने क्या मान लिया एम एन। ठीक है, और आपको क्या करना है, नेट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा कैसे करना है। फॉर्मूला यही है, किसी भी पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पार्टिकल। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने ये मान लिया ये डिस्टेंस कितना है आर वन है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आर टू है, अगेन ये डिस्टेंस कितना है आर थ्री है, और ये डिस्टेंस कितना है आर एन। समझ में आया, अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँगा और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ वी एट पी, वी एट पी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी इक्वल टू क्या होगा वी वन, वी वन का मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एम वन। ठीक है, देखो वी वन प्लस क्या लिखेंगे वी टू प्लस वी थ्री प्लस प्लस क्या हो जाएगा वी एन, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कैपिटल वी को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सॉरी कैपिटल वी इज डिनोटेड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पी स्टैंड फॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये कितना हो जाएगा, देखो इसके द्वारा कितना होगा माइनस जी एम वन आर वन माइनस जी एम टू आर टू माइनस जी एम थ्री आर थ्री माइनस, ठीक है, माइनस जी एम एन अपॉन क्या हो जाएगा आर एन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस जी, ठीक है, सिग्मा आर सिग्मा आई इक्वल टू वन, तो हम क्या लिख सकते हैं एन एम आई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सिग्मा आर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिंपल भी हम यही यूज कर देते हैं यहाँ एम आई अपॉन क्या हो जाएगा आर आई। ठीक है, ये हम क्या लिख सकते हैं वीपी ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
जो क्या होगा, एट एनी पॉइंट ड्यू टू मोर देन टू पार्टिकल्स क्या करेंगे, सबके द्वारा अलग अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम उसको, क्या करेंगे हम अलग अलग लिख करके सिंपल ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, कई एग्जांपल देखो, जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल, ये सी है, एम एम एम, ठीक है, एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया, एम 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 एम, ये सी, ये साइड लेंथ हमने क्या मान लिया, ये मान, ठीक है, समझ में आया, ये फिगर क्या हो गया, ए, दिस इज फिगर बी हो गया, ठीक है, ये सर्कल देख लो ध्यान से, ठीक है, यहाँ M है ना, यहाँ M, यहाँ M, यहाँ भी क्या है M, ये R, 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 ठीक है, ये फिगर क्या हो गया, C, समझ में आया। आपको क्या करना है कि हर सिचुएशन में मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंड, फाइंड ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट, पॉइंट सी एज शोन इन द एवर फिगर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबके द्वारा अलग अलग पोटेंशियल लिखते हैं, सही है, पहले देखो जितने पार्टिकल हैं उनके द्वारा क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल। तो फिगर यदि मैं वन ले लूँ, वन बेटा, तो क्या होगा देखो, तो वी सी आई मीन पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी वन प्लस क्या होगा, वी टू प्लस क्या हो जाएगा, वी थ्री। देखो तीन मासेज है ना, अब यदि मैं ये मान लूँ, देखो ये बाई मिस्टेक से ए आर, तो ई वी आर, ई वी आर आर, ठीक है, अब आर इक्वल टू तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा, तो आई थिंक आर इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा, यहाँ आर इक्वल टू आई थिंक ए बाई कितना हो जाएगा, रूट थ्री, सही है। अरे ये समझ में आए, 30 डिग्री होगा बेटा, ए 30 कॉस 30 कितना होगा, ए बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए बाई टू कॉस 30, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, तो आ जाएगा, समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं बाई सेमेट्री, देखो माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन क्या हो गया, यहाँ वैल्यू रखते हो माइनस थ्री जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, ए बाई रूट थ्री, तो क्या लिखेंगे, माइनस थ्री रूट थ्री जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, आई मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो गया, समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट केस में सबके द्वारा क्या करना, मैंने मुझे क्या करना है, सभी मास के द्वारा अलग अलग लिख करके हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, समझ में आई बात। दूसरा क्या है, ये समझ में आ गया, चलो इस फिगर को हम हटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। दूसरे में देखो कितने मासेस हैं, पहले हम आर देख लेते हैं, आर कितना होगा बेटा बताओ, आर इक्वल टू, ये तो किसी को भी मालूम होगा, यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए बाई कितना हो जाएगा, रूट टू, सही है। फोर मासेस है तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, वी सी, फिगर में कौन कंसीडर कर रहा हूँ, बी, तो वी सी इक्वल टू क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस क्या हो जाएगा, वी फोर, आई मीन वी वन वी टू, वी वन का मतलब क्या हो, पोटेंशियल ड्यू टू एक मास, वी टू का मतलब सेकेंड मास, वी थ्री थर्ड, वी फोर सबके द्वारा अलग अलग, तो माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन क्या होगा आर, तो कितना हो जाएगा, माइनस फोर जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर, और आर बाई क्या है, आर इक्वल टू ए बाई रूट टू, हम क्या लिखें, माइनस फोर रूट टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी सी, समझ में आई बात, ठीक है। वैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसको भी बता देता हूँ, तो देखो
ध्यान से स्क्वायर हो गया, होमवर्क नहीं दिया क्योंकि होमवर्क तो तुम लोग करते नहीं हो। अब फिगर सी जो है उसको देख लो। फिगर सी में क्या करना है, ग्रेविटी पहले देख लो, मास काउंट कर लो कितने हैं। तो अगेन वी सी इक्वल टू हम बोल सकते हैं वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर, 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 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया वी सी, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के द्वारा हम कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते हैं वो अभी तक हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, सॉरी रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है देख लो, पहले डेफिनेशन से ही हम देख लेंगे। अगला जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल, ठीक है, पोटेंशियल एंड, देखो ध्यान से, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छा डेफिनेशन। चलो पहले हम डेफिनेशन से आ जाते हैं कि वर्क डन, ये तो मैंने लिखा था वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मूविंग मास इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वी एफ माइनस हमने क्या लिखा था वी आई, दिस इज क्या है मूविंग मास, ये याद रखना है, आई मीन जिस मास को हम क्या कर रहे हैं मूव करा रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, वर्क एक्सटर्नल भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि मूविंग मास इंटू वी एफ माइनस क्या हो जाएगा, समझ में आया ना, आई मीन जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है कि एक मास को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या लिखना है, देखो ध्यान से, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, मूविंग मास, मूविंग मास, ठीक है, दिस इज फाइनल पोटेंशियल, मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल, दिस इज क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल, और इसको हमने क्या लिखा इनिशियल पोटेंशियल। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है कि वर्क हम इस मेथड से भी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरह से लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ये अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नाउ देखो ध्यान से, नाउ हम लिखेंगे डब्लू एफ माइनस क्या होगा डब्लू आई इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखो, नाउ हम लिख सकते हैं कि यू एफ माइनस क्या हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू एम इंटू क्या हो जाएगा वी एफ माइनस क्या लिखा मैंने वी आई, ठीक है। तो यहाँ देखो यू एफ माइनस क्या हो जाएगा यू आई अपॉन एम नट इज इक्वल टू क्या होगा वी एफ माइनस हमने क्या लिखा वी आई, ठीक है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑल्सो कॉल्ड
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, टू पॉइंट। समझ में आया ना? यहाँ से ये क्या हुआ, देखो ध्यान से याद रखना है। ऐसे भी हम इसको मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा यू अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी। समझ में आया ना? ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मूविंग मास बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जब भी तुमको ईवी कैलकुलेट करना हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो तुम क्या करोगे, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम। एम क्या है, मूविंग मास, ए याद रखना है, एम इज नथिंग बट द क्या है, मूविंग मास। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे इस सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ग्रेविटी रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये बहुत ही, यदि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड आता है तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इससे चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, जैसा कि मैं बताऊंगा तुमको अभी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी हमने डेफिनेशन जो पढ़ा है, देखो ध्यान से हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा, देखो ध्यान से यदि मैं ऐसे लिखूं, देखो कि डी वी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो हमने क्या पढ़ा है कि वर्क डन बाय क्या है, देखो डी डब्ल्यू क्या है, एक्सटर्नल अपॉन हमने क्या पढ़ा है, टेस्ट मास। जनरली मैंने इसको क्या लिखा था, वर्क डन इन डी डब्ल्यू अपॉन एम नॉट, देखो ध्यान से। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ द क्या होगा, डी डब्ल्यू फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अरे कोई इसमें डाउट नहीं है ना तुम लोग, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स वर्क डन लिखते हैं, देखो ध्यान से, अब ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तुमको कि शायद तुम समझ सको इसको, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस डी, अब ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, हम क्या लिखेंगे डी, वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, टेस्ट मास, क्योंकि टेस्ट मास को मूव करा रहे हैं, इनटू ई डॉट हम क्या लिखेंगे, डी आर, अरे यही होगा ना, समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम नट, ये एम नट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो, या सिंपल भी लिख सकते हो कि डी वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डी आर, ठीक है, समझ में आया, क्या लिखोगे, माइनस ई डी आर, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट क्या लिखोगे, डी आर। तो यदि आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्या लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है,
दिस इज डियर और दिस इज क्या होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यदि ई और डी आर हम सेमी डायरेक्शन में मान लें तो सिंपल हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है और तुमसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो तुमको क्या करना है सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देना है जिस पॉइंट के बीच में पूछा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आया, उससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस पे। दूसरे तरह से हम क्या कैलकुलेट, जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो यार तुम, है ना, नहीं तो तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एग्जांपल देखो इधर, जैसे आपको कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट मास है, ठीक है, या तो सबसे पहले हम लिख दें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कैलकुलेट करना है एट एनी डिस्टेंस आर। ग्रेविटेशनल एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, समझ में आया, ये कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट, पहले क्या करना है मुझे, देखो ध्यान से, किसी भी पॉइंट पे आर पॉइंट पे यहाँ क्या है ये एम है, इसके द्वारा मुझे यहाँ क्या करना है आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैंने ये बताया था ई डॉट डी आर हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे और पहले इससे क्या मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। समझ में आया ना, क्या मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो तुम क्या करोगे E का वैल्यू रख दो, यहाँ E इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा, बताया भी था डेरिवेशन कराया हूँ, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम, यहाँ हम क्या करेंगे एम ना टेस्ट मास हमने रख दिया, ठीक है, सॉरी एम अपॉन हमने क्या लिख दिया यही होगा ना, इसको क्या करो, अब देखो यहाँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, इन्फिनिटी से एमनेंट मास को यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, यही हो गया ना, इन्फिनिटी से तुम पहले क्या करो इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी टू क्या कहाँ इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ जब डेल्टा भी ई का वैल्यू तुमको मालूम चल गया है, देखो ध्यान से, अब डेल्टा भी हम लिखें तो क्या लिखेंगे माइनस, अब देखो आर क्या है इधर से इधर है और ये हम इधर से इधर आ रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, अरे आर ऐसे है लेकिन हम चल ऐसे रहे हैं तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा बता सकते हो तुम, या सिंपल बोल सकते हो कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या, अरे यहाँ से यहाँ चार्ज मूव कर सॉरी मास मूव कर रहा है तो वर्क डन बाई क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या ई डॉट डी आर आप बोलोगे तो ई का डायरेक्शन किधर है इधर ही है और डी आर का डायरेक्शन किधर है इधर ही है तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल, देखो इन्फिनिटी टू आर ई डी आर वैल्यू रख दो तो देखो यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है, माइनस जी एम अगेन देखो हमने क्या लिखा आर, ठीक है, के पावर हमने क्या लिखा आर के पावर माइनस टू डी आर इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, क्या लिखा मैंने इन्फिनिटी आर, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद तुम क्या करोगे इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, तो यदि फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे फील्ड को इंटीग्रेट कर दें और उसके बाद हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया, तो ई डॉट डी आर यहाँ से लिख दो तो क्या आएगा इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट करके वैल्यू देखना तुमको क्या आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अरे ये समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें,
ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देना, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ भी फाइनल क्या लिखेंगे हम, आर माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एट इन्फिनिटी माइनस जी एम अपॉन क्या होगा आर, अगेन इसको यदि जीरो मान लोगे तो वी क्या हो जाएगा, आर माइनस जी स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, जो हमने देखा था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अब उल्टा भी तो जा सकते हैं यार, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अभी हमने देखा था, देखो डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो समझ में आया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन क्या लिखेंगे डी आर, इसको हम क्या बोलते हैं, आई मीन दिस इज क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, दिस इज क्या होगा, निगेटिव ऑफ आई मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, डी वी अपॉन क्या हो जाएगा डी आर, किसी किसी बुक में ये भी देखना, ये दिया होगा उसको पार्शियल डेरिवेटिव, यदि हमने माना कि क्या होगा, ई जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, स्पेस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इफ वी इज फंक्शन ऑफ क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड हम क्या लिखेंगे एंड जेड, ठीक है, तो हम देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस डी वी डाबा अपॉन एक्स के आई कैप प्लस क्या लिखेंगे, हाँ तो ऐसे लिखेंगे, देखो पहले ये लिख देते हैं, इसको ई इक्वल टू हम लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसको, समझ में आया ना, इसको इस सिंबल में लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव होता है ऐसे डी वी, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वी क्या हो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा माइनस डी वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हमने क्या माना है, याद रखना वाई जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, याद रखना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा वाई, यहाँ मैंने क्या माना है एक्स जेड क्या है कॉन्स्टेंट, ठीक है, और सिमिलरली हमने क्या लिखा ई जेड क्या हो गया माइनस डी वी आई मीन डबा वी अपॉन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा जेड, यहाँ मैंने क्या माना एक्स कॉमा वाई मैंने क्या माना कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी ग्रेविटेशन, अब यहाँ से तुम किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हो, देखो ई क्या होगा ई एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा ई वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा ई जेड के कैप, ठीक है, और यहाँ ई भी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस डी वी डी एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा डी वी डी वाई क्या होगा जे कैप प्लस डी वी डी जेड क्या हो जाएगा के कैप, तो जब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं,
यदि पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मत कंसीडर करना, ग्रेविटेशनल फील्ड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, जैसे तो ये फॉर्मूला तुमको क्या करना है, याद रखना। जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन एज, देखो v इक्वल टू दिया हुआ है x y z पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आया क्या? तुमको क्या करना है, देन फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट पे तुमको से ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करो? देखिए, सेमी कॉन्सेप्ट मुझे क्या पढ़ना है, अपने को इलेक्ट्रोस्टेटिक में पढ़ना है। तो यहाँ तुम देख लो, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी वी डी आर। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन हुआ। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं, देखो ई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है डी वी, ठीक है डी एक्स, समझ में आया। अब यहाँ मुझे क्या करना है, वाई एंड जेड को क्या मानना है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो ई एक्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वाई जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड हो गया। अरे क्यों, मैंने ये लिख दिया, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स, इसका वैल्यू वन हो जाएगा यार, ये तो तुमको मालूम है, ये कितना हुआ वाई जेड। सिमिलरली ई क्या हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, और ई जेड कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई हो जाएगा। समझ में आया, तो तुमको ठीक है। अभी हमने यहाँ क्या लिखा, सिंपल अब वैल्यू लिख दिया, देखो यहाँ समझ में आया ना, या माइनस लिखना है तो माइनस लिख लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ माइनस, तो माइनस दो बार यूज मत करना, तो देखो ई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड क्या हो गया, के कैप। यहाँ वैल्यू रख दो तो माइनस, देखो क्या आया, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड क्या होगा, जेड जेड एक्स वाई हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक्स वाई का वैल्यू रखते जाओ, तुमको क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे ठीक है, अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।